हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने मेरी दिन की शुरुआत की है बहुत ही एक अच्छी चीज़ से। अभी हमारे पास एरेंस के साम्रानी कप आए हुए हैं जो कि इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस में है। इसकी फ्रेग्रेंस का नाम है सैंडलवुड और इसको लगाते में बिल्कुल लग रहा है घर में पूजा का माहौल, जो कि इतना ज़्यादा दिल को सुकून करता है। और ये खुशबू हमको तब अच्छी लगती है जब नवरात्रि होती है। नवरात्रि में हम रेगुलर धूप करते रहते हैं और एकदम माहौल इतना ज़्यादा और माहौल और वाइब इतनी अच्छी हो जाती है ना नवरात्रि में घर की। और उसी के साथ उसी का बेस्ट वर्जन अभी एरेंस ने निकाला है साम्रानी कप और इतना ज्यादा अच्छा है, यानी आप रियली एक बार सुंघोगे ना तृप्त हो जाओगे। एकदम लगता है हम मंदिर में ही बैठे हुए हैं, इतना शानदार इसकी फ्रेग्रेंस है। और बिल्कुल हमने घर को मंदिर बना दिया। और आपने जैसे कि देखा है हमारे घर पे कितने अच्छे माता जी विराजमान है और साथ ही साथ ऐसी धूप हो तो माता जी भी खुश, माता जी के भक्त भी खुश और मजा ही मजा। और हाँ, सबसे मेन चीज मैंने साम्रानी कप के ऊपर, और इसका मैंने आपको फ्रेग्रेंस बताया, ये सैंडलवुड है, इसके ऊपर मैंने कपूर रखा है और कपूर भी एरेंस का ही है और इतना ज़्यादा अच्छा कपूर है। मैंने एक किसी मेरी वीडियो में बताया हुआ है कपूर एरेंस का और उसके साथ कपूरदानी, और वो यानी जो हम लगाते हैं ना उससे वाइब इतनी अच्छी आती है। कपूर तो यानी कहा जाता है कपूर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उससे नेगेटिविटी हटाता है और बिल्कुल हटाता है। एक बार कपूर की फ्रेग्रेंस से ही यानी बिल्कुल जो भी स्ट्रेस वगैरह होता है वो आउट हो जाता है। और इसी के साथ ये कप के ऊपर अभी मैंने कपूर रखा है, इसकी फ्रेग्रेंस और ज़्यादा अच्छी आ रही है, मज़ा आ गया एकदम। और अभी हम जाएंगे मंदिर और मंदिर की फील घर में ही आ गई है, पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा तो मंदिर भी दर्शन करके आई जाए। एक बार आप आके बिल्कुल विजिट करें शॉप करो पर, और फ्रेग्रेंस इसकी आप एक बार सूंघोगे ना तो आपका मन यानी हो ही जाएगा कि मैं ये चीज़ खरीद ही लूँ, क्योंकि ये चीज़ छोड़ने जैसी है ही नहीं, सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी आ गई हूँ मंदिर जाकर और अब बना लेती हूँ खाना। और खाने में मैंने आज सोचा है कि पनीर बटर मसाले की सब्जी बनाऊँ और लच्छा पराठा बनाऊँ और चावल, तो चलिए बनाते हैं। आज मुझे इच्छा है तो बना ही लेते हैं। पनीर अभी मैं मार्केट से मंगवा दूँगी, आज मेरे को इच्छा हो रही है लच्छा पराठा खाने की, तो लच्छा पराठा भी बनाते हैं और आपको रेसिपी भी बताती हूँ। एक बार आटा गूंथ के रख देती हूँ, फिर पनीर बटर मसाला की तैयारी करूँगी ताकि मेरा आटा अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि इसमें आटा बहुत अच्छे से गूंथा हुआ होना चाहिए। मैं इसमें गेहूँ का आटा छान के ले आती हूँ। अंदर गई तो देखा आटा ही नहीं है पिसा हुआ, तो चलो आटा पीस देते हैं, गेहूँ पीस देते हैं, आटा तो पिसा हुआ ही होता है। तो ये रहा आटे वाला और ये हमारी चक्की, तो चलिए आटा पीसते हैं। एक बार इसका मैं गारा वगैरह सब सेट कर देती हूँ। इसको गारे को क्या बोलते हैं एक्चुअल में वो मुझे पता नहीं है, मैं जो बोलती हूँ वो बोल रही हूँ। ये जो खुला हुआ है ना यहाँ से ये लॉक हो जाए। मेरे को कितने बारीक गेहूँ पीसना है ये भी सेट कर देती हूँ। मेरे को चाहिए 5.5 नंबर पर, तो 5.5 नंबर पर सेट कर दिया है। ये रहा ड्रम जिसमें रहते हैं गेहूँ, ये भी निकाल लेते हैं। ये अंदर रखे हैं नीम के पत्ते ताकि गेहूं है वो ख़राब ना हो, क्योंकि नीम के पत्ते, तो मैं एक बार यहाँ पर ट्राइपॉड रख देती हूँ। सॉरी बहुत ही ज़्यादा वॉइस आ रही होगी क्योंकि मैंने पीसने के लिए रख दिया है गेहूं। और आज हम इस गेहूं की वजह से हो जाने वाले हैं लेट, क्योंकि गेहूं पीसे हुए नहीं है, क्योंकि और मुझे जाना है शॉप पर। तो ठीक है, जब तक गेहूं पीस जाते हैं तब तक मैं बटर पनीर मसाले की तैयारी कर देती हूँ। एक बार प्याज कट करके अच्छे से बारीक चॉप कर देती हूँ। दोनों एकदम बारीक चॉप हो चुके हैं और अब मैं जो है वो प्याज वगैरह सब अब मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर देती हूँ। अभी बटर मेरे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं अभी घी में फ्राई कर रही हूँ। बटर आ जाएगा तो ऊपर डाल देंगे तो टेस्ट वाव आ जाएगा। अब इन टमाटर को अच्छे से पकने देंगे जब तक ये मैश ही नहीं हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया यानी पिघल नहीं जाए। तो इसको मैं ढक दूंगी और धीमी आंच पे एकदम पक रहा है, तब तक हम लच्छे पराठे का डो तैयार कर देते हैं। अब तो आटा पीस गया है तो अब मैं ले आती हूँ
चावल भिगा दिए हैं और जब तक ये सब कुछ बनेगा तब तक चावल भीग जाएंगे। अभी मैंने चीज़ें अच्छे से यानी हाफ फ्राई करी थी वो सारी, यानी मुझे उसकी प्योरी बनानी है तो उसको ठंडा करने के लिए रख दिया, क्योंकि गर्म होगा तो मैं मिक्सी में पीस नहीं पाऊँगी, तो उसको अभी ठंडा कर दिया। पनीर मंगवाया, बटर मंगवाया, पर अभी तक आ नहीं रहा है। स्टफिंग है वो ठंडी हो चुकी है, अब इसको मैं पीस लेती हूँ। और मेरे इतना ज़्यादा बटर और पनीर लेट आया कि सारा जो मूड है वो ख़राब हो गया। मैंने इसकी एकदम बारीक प्योरी नहीं बनाई थी, मैंने इसकी एकदम दरदरी प्योरी बनाई थी। और इसके अंदर जो कोरिएंडर और रेड चिली पाउडर और हल्दी गया हुआ है उसको मैं अच्छे से पकने के लिए थोड़ी देर इसको ढक दूंगी, और अच्छे से ये पक जाएगा तो इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, नहीं तो कच्चा कच्चा लगेगा सब। और थोड़ा सा पानी मिला देती हूँ, फिर मैं पनीर और क्रीम मिलाऊँगी। हम लच्छा पराठा, और हमारे कैमरामैन हैं नव पंचाल, कृपया करके पीछे इनको भी दिखा देते। तो अभी ये शूट कर रहे, तो ये है हमारा सेटअप कुछ लच्छा पराठा का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डो ले लेंगे। फर्स्ट तो प्लेन रोटी बनानी पड़ती है, इसलिए एक बार प्लेन रोटी बना दे। ये हमारे लच्छा पराठा का लोई है, अब इसको हम बड़ा बेलेंगे। ठीक है, बेल लिया, फिर हम इसके ऊपर घी लगाएंगे, थोड़ा सा सूखा आटा। अब इसकी प्लेट्स बनाएंगे। ये प्लेट्स बन चुकी हैं सब। अब इसको ऐसे करके रोल करके वापस इसका डो रेडी करेंगे। नव, अपना लच्छा पराठा कैसा बनने वाला है? छड़ने वाला है। बिल्कुल, ये हल्के हाथ से बेलना है इसको। अब इसको डाल देंगे तवे पे और एकदम धीमी धीमी आंच में पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे लच्छे कितने अच्छे से निकल रहे हैं। हमारे लच्छे कितने अच्छे से निकल रहे हैं, और ये पकेगा इसके बाद तो क्या और शानदार निकलेंगे। घी भर भर के लगाना है हमको, पीछे भी लच्छे तैयार है पर पीछे थोड़ा पक जाए फिर लच्छे फिर घी लगाएंगे। कैसा लग रहा है ना दिखने में? दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। इसको कम आँच पे एकदम पकने देंगे, क्रिस्पी होने देंगे। ना टेस्ट करके बता कैसा बना है, जल्दी से टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। बहुत जोरदार बना है। अच्छा लग रहा है, बटरी बटरी टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलो ग्रेट सक्सेस। चलो थोड़े से और बनाने हैं लच्छे पराठे, वो भी बना देते हैं और फिर सबको खिला के हम चलेंगे हमारी शॉप पर। पराठे बनके तैयार हैं, खाना कम्प्लीटली रेडी है, आपको दिखा देती हूँ प्लेटिंग एक बार। कितने अच्छे लच्छे बने। अगर आपको लच्छा पराठा बनाने की इच्छा हो तो आप मेरी वाली ट्रिक ट्राई कर सकते हो, इससे बहुत अच्छे लच्छे बनते हैं। तो ठीक है, मैं खाना वगैरह सब खा लेती हूँ फिर चलते हैं शॉप पर। खाना वगैरह सब हो गया है, पर्स वगैरह रेडी कर देती हूँ। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि कुछ वेराइटी बनाने लग गई, इसलिए फिर लेट हो गई। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? लेके तो नहीं जाना है सलून को? कुछ नहीं ले जाना है। तो यहाँ पर अभी रोमांटक की स्कूटी चला रही है और इतने तक ही लेके आई हूँ, अभी जाएंगे चाचू और दोनों जने दुकान। अभी आ गई हूँ शॉप पर और है कुछ पेंडिंग काम, उनको कर देते हैं पूरा और फिर आपसे मिलते हैं। आज मैं शॉप पर बहुत ज़्यादा लेट आई हूँ क्योंकि लच्छे पराठे और बटर पनीर की वजह से, और थोड़ा बहुत जो पेंडिंग काम है वो कर देते हैं।
आज का काम कंप्लीट हुआ, अभी जा रहे हैं घर पे। और मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी इसलिए आज कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बैक टू बैक थे कस्टमर, आगे नहीं तो पीछे, पीछे नहीं तो आगे। और अभी कर रही हूँ मैं पीसी को शट डाउन, हम भी चलते हैं घर पे। नौकरी हुई ख़त्म 7 बजे तक। क्या चिको, 7 बजे तक की नौकरी थी, ठीक है, ख़त्म हुई नौकरी। अब नीचे डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दूँ? मैं चलाती थी, लो तुम लेके जाओ। ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, ये तो मैं ही रखूँ। पहले चाबी बंद कर दे, बैठे लो जल्दी। कौन चला रहा है? रोमा। भागे क्यों? हाँ? लाइट चालू रख। आ गई हूँ घर पर और अब आ गई हूँ रूम में। थक गई हूँ तो होम स्वीट होम लग रहा है, यानी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर जिस दिन अपन ज़्यादा थक जाते हैं ना, और मेरा रूम मुझे क्या पता बहुत ज़्यादा कोजी कोजी सा लगता है। मुझे रूम में आके मुझे यूँ लगता है बेड को देख के मैं सो ही रहूँ बस। क्या पता क्यों, इसीलिए मैं ज़्यादा काम रूम में नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं कभी भी रूम में व्लॉग भी बना रही होती हूँ तो इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं रिलैक्स मूड में होती हूँ। रिलैक्स होता है तब इतना मज़े से काम नहीं होता है कुछ भी। कैमरे की होगी बैटरी लो, एक बार चार्ज कर देती हूँ और फिर बाकी का व्लॉग करती हूँ। चिकू के तो आज डाइट में था पनीर का सलाद, तो मैंने अभी पनीर का सलाद दे दिया है। और मेरे लिए मैंने बनाए हैं पोहे, क्योंकि मुझे बहुत दिन से पोहे खाने थे और सुबह काफ़ी ज़्यादा हेवी खाना खा लिया था, इसलिए अभी मैंने बनाए पोहे। आज खाऊंगी शांति से पोहे। और अभी पोहे बन गए तो मैं प्लेट लगा देती हूँ, मेरी पोहा रेडी है, मैं भी रेडी हूँ खाने के लिए, तो खा लेती हूँ। और जल्दी जल्दी में क्या पता कैसा बना होगा। खुद के लिए तो अकेली होती हूँ तो कभी कुछ नहीं बनाती हूँ, कहीं कुछ ब्रेड खा ली, दूध पी लिया या फिर खाकरा खा लिया, ऐसा ही चलता है। पर आज मुझे इच्छा थी तो मैंने मेरे लिए पोहे बनाए हैं। बाकी चलता है मेरे, तो मैं यूँ करके निकाल देती हूँ बस। ये अभी पोहों को खा के फिर आपसे मिलते हैं। आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी बिजी था आज का दिन, इसलिए ज़्यादा कुछ भी कवर नहीं कर पाई शॉप पर, क्योंकि आगे भी मैंने बताया था क्लाइंट्स थे, सॉरी आगे कस्टमर थे और पीछे क्लाइंट्स थे, इसलिए तो वही निपटने में पूरा दिन कैसे बीत गया। और मम्मी पापा आज गए हैं बाहर, सो मैं और चिकू ही थे। चिकू के पनीर का सलाद दे दिया, मैंने मेरे लिए पोहे बना दिए, अब ये पोहे हैं वो खा भी लेते हैं। खाना वगैरह सब हो चुका है और अब आ जाती है सोने की बारी। और आज जो मैंने रेसिपी बताई थी वो ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी और चिकू को, नव को वगैरह सबको बहुत अच्छी लगी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। मुझे बाकी पनीर की सब्ज़ियाँ मेरे हाथ की पसंद नहीं है, ठीक ठाक पसंद है। चिकू को बना बना के देती हूँ, चिकू को बहती है इसलिए। तो अगर आज की जो रेसिपी है वो आपको अच्छी लगी हो और आप ट्राई बिल्कुल करना, और ट्राई करके मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना कि ये आपसे कैसा बना। और आज का व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। बाय। नव टेस्ट करके बता, जैसे कि तू लंबा करिए, तू लंबा कर, नव टेस्ट करके बता। तो फिर मैंने ये कैमरा पटक लाओ, फिर लेके जाएगा अंदर, फिर वहाँ बैठ के खाएगा, फिर मैं शूट करूँगा।